होशियारपुर में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब नगर निगम चुनावों के चलते वार्ड नंबर 48 में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने पहुंचना था। इससे पहले ही कुछ शरारती अंसरों द्वारा वार्ड नंबर 48 में भाजपा के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं सोम प्रकाश ने मौजूदा कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार इस वक्त गुंडागर्दी पर उतर आई है और वहीं भाजपा इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। म्युनिसिपल कारपोरेशन होशियारपुर के वार्ड नंबर 48 तो अनिल कुमार हांडा जी इलेक्शन लड़ रहे ने और बहुत ये वार्ड ऐसा है जिससे कांग्रेस पार्टी बहुत गुंडागर्दी कर रही है और बड़ी दलेरी से इलेक्शन लड़ांगे और जीत प्राप्त करांगे। और जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे ने ये सारे पता है, असी कहा सारे ने कर दिता और अभी चंगी तरह इलेक्शन लड़नी है और कांग्रेस में जी बघराहट चाह के उन्होंने पता है हार साड़ी होनी है, इस करके बघराहट चाह के गुंडागर्दी भी करने की कोशिश करते हैं और साढ़े कहीं बुलाने की कोशिश करते हैं और जो दुध दी वो भी बंद की है, दूसरा भी किया है। बहुत माड़ी गल है, बहुत घटिया लैवल से कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रही है और सू पूर्ण आस है कि लोग यदा पूर्ण तौर पर साथ देंगे और जीत प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। यही जी हम गलबात की है उम्मीदवार जूसरा ये खुद कैंडीडेट ने किया जो कितने बंद को पहचान चाहिए कैंडीडेट तो सामने ही है जो नहीं नहीं जिन्हें ने मतलब इतने आह हरकत की है जो भी तोड़ फोड़ की है कैंडीडेट पुलिस को पता है, पुलिस के सामने है जो कैंडीडेट का जो विरोधी कैंडीडेट है किस तरह का है, किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं सारे पता है। इस करके अभी तकड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत प्राप्त कर रहे हैं। वार्ड नंबर 48 तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार हांडा उन्होंने अपना नामिनेशन भरिया से उस तो पहला इतने जोड़े शूटिंग MC से तीरथ राम जी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कोई 200-300 अपने साथियों समेत ज्वाइन की से अपने अपना कैंडीडेचर भी दिता से पर कांग्रेस के कैंडीडेट्स जोड़े है उन्होंने पिछे जोड़े उन्होंने उन्होंने ताकत देने वाले लोग आ उन्होंने उन्होंने इन्ना को डरा दिता सरकार की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया बच्चों नौकरियां तक खत्म कराने की धमकी दे के वो बंदा बेचारा मंजे लग गया कई दिन का उठ नहीं सकिया उन्हें खड़े होने से रोक दिता। उस बाद बाबा हांडा जी ने यह इलेक्शन लड़ने का फैसला किया इन्हें इन्हों की हिम्मत असं दाद दें इदा के कार्यकर्ता जोड़े आ हमेशा जीत भी जाते हैं और ये इलेक्शन के हूँ क्योंकि वह वाकओवर लेना चाहते थे वो जोड़ा भी आता से उन्होंने डरा देंगे सके क्योंकि ये हूँ खड़े हो गए BJP इतने तो उन्होंने लगता कि हूँ असी सीट हार गए हैं इस करके क्योंकि पता से अच्छ श्री सोम प्रकाश जी और अपने प्रदेश नेतृत्व जोड़ा इतने उद्घाटन कर आएगा अच इन्होंने दफ्तर का तो बुखलाहट के सारा इन्हों का जो सिस्टम सैटअप किया अज का जो उद्घाटन समारोह का दफ्तर दे उन्होंने तोड़ फोड़ करता और इटा भी मारिया और फ्लैक्स भी फाड़े इन्हों का जो उपर शामियाना वगैरह टेंट वगैरह वो सारे नुकसान पहुँचाया पर हिम्मत साडे कैंडीडेट की अनिल कुमार हांडा की हाले भी बरकरार आ और मैं पता है इस वार्ड के जोड़े निवासी आ वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करते वो बोलन ना बोलन वोट भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे ये मैं पता उन्हों का फीडबैक भी आ सो ऐसे बदमाशी के जो कृत है कम है वो डट के जवाब देन इलाका निवासी मैं उन्होंने अपील करा। की तुहाड़े IELTS विच बैंड्स नहीं आ रहे या तुहाड़े IELTS विचों एक या दो मॉड्यूल्स विच साढ़े 5 बैंड हन ते आज ही विजिट करो लिब्रा ओवरसीज या विजिट करो सेकंड फ्लोर अरोड़ा मेडिकल हॉल प्रभात चौक होशियारपुर।